12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। 44 और मुंबई 1224 भाई साहब। वडोदरा मुंबई सीधा लिखा हुआ आपने, और इधर चले जाएंगे ना, हैशटैग लगा हुआ था, तो 240 रुपीस हमारा लगा है। किलोमीटर देख लो, 213 और सिर्फ 2 घंटा 17 मिनट। मोस्ट फेमस गाड़ी कह सकते हैं। नहीं 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 भाई, यूट्यूब पे। हाँ जी, की जी, सारे सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज दो चीजें काफी ज्यादा स्पेशल है। एक तो हमारे परवीन भाई ने नई गाड़ी ली है, कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, स्कॉर्पियो एंड गाड़ी ली है, तो आज देख लो भाई उसी में राइड कर रहे हैं। और अभी हम है गुड़गांव में, और आज की जर्नी नहीं है कोई, आज एक खतरनाक व्लॉग होने जा रहा है, क्योंकि आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ना, उसका इनॉग्रल हो चुका है, फर्स्ट फेज का, ऑलमोस्ट 246 किलोमीटर, जो दौसा जयपुर के लिए, मतलब अगर आप दिल्ली से जयपुर ट्रैवल करना चाहते हैं तो भाई काफी कम समय, ऑलमोस्ट 3 घंटे में आप सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, जो टाइम 5 से 6 घंटा लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, आज नई गाड़ी है, देखते हैं ये वाली गाड़ी लेकर जाएंगे, ये दूसरी एक और शानदार गाड़ी है हमारे पास। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली रात में ना हमने चाय, उसकी चाय मंगवाई थी, देख लो नीचे यहाँ पर पड़े, और आज सुबह उठते ही नहा धो के फ्रेश हो गया, देख लो भाई वापस से आ चुकी है चाय, उसकी चाय। तो थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, बट अभी यार ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, तो चाय पीते हैं। चाय तो भाई थोड़ा चीनी डालनी पड़ेगी, चाय कड़क होती है इनकी, चाय मंगवाई है, साथ में मंगवाया बन मस्का। जी भाई निकल चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं भाई के शोरूम। वैसे आपको हमने कभी बताया नहीं, तो आज आपको वो भी दिखा देते हैं यार, मतलब नई चीज। अभी कब अपन ने किया उद्घाटन? 5 तारीख को उद्घाटन किया, आपको अच्छे से मैंने स्टोरीज डाली थी। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्यों भाई, इंस्टाग्राम पे यार आपके लिए एक से एक कंटेंट आता है, वहां पर भी चुके हैं। यहाँ से अभी जा रहे हैं, गुड़गांव में ही है, और ये सोना रोड से हाईवे स्टार्ट होगा, सारा मैं मैप भी दिखाऊंगा अच्छे से। बट आज हम जा रहे हैं भाई भाई की गाड़ी में, मोस्ट फेमस गाड़ी कह सकते हैं। नहीं 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 भाई, YouTube पे लिखता हूँ ना मैं वर्टस GT, सबसे पहले आपकी गाड़ी आती है। तो देखो भाई, ये अभी हम गुड़गांव में हैं, और जो पुराना हाईवे दिखाता है ना वो देख लो, 248 किलोमीटर दौसा, ऑलमोस्ट 5 घंटे दिखा रहा है ना। अभी आप इसको ध्यान से देखना, इसके बाद मैं जो दूसरा मैप दिखाऊंगा ना उसमें आप टाइम देखना और किलोमीटर देखना जो दिखा रहा था ना। अब देखो मैंने मैप चेंज कर दिया, और यहाँ पर देख लो किलोमीटर, देख लो 213 और सिर्फ 2 घंटा 17 मिनट, 2 घंटे में आप दौसा पहुंच जाओगे। ये देख लो, ये जो रोड जा रही है ये सोना रोड जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर बाद हम चढ़ जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाके जो एक्सप्रेस वे नया बना है। तो सोना से पहले यार आपको एक टोल तो ये देखने को मिल जाएगा, बट ये यार समझ से बाहर, अभी तो सोना जाना भी नहीं, धक्के से 10 किलोमीटर का ही एक टोल हमें देना पड़ जाएगा। तो ये कितने का टोल है भाई? ये शायद 115 रुपए का भाई, शायद जो मेरे को याद है। चलो देखते हैं यार, दिन पहले एक शादी में आया था। चलो भाई गो हो गया, ठीक है, इधर से एक बार डलवा लेते हैं, अपनी जगह का तो अपनी जगह पहुंचता है। चलिए पहले यार भाई थोड़ा सा हमने पेट पूजा कर ली है, तो गाड़ी को भी अभी आपको पता ना पेट्रोल डलवाना जरूरी है, कहीं एक्सप्रेस वे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ऐसा ना होना मिले ही ना वहाँ पे, हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस वीडियो में आपको ये चीज दिखानी है, अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको पता होना चाहिए भी इस पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं। 2100 का तेल डलवा लिया है, सही है, चल जाएगा काम बढ़िया। आप देखेंगे हाईवे पे अगर कोई पेट्रोल पंप मिलेगा, आपको ये लेफ्ट में कट दिख रहा है ना, सीधा चले जाओगे आप सोना रोड पे, ठीक है, और इस साइड लेफ्ट में मुड़ जाएंगे हम, मुंबई वडोदरा दिख रहा होगा आपको। तो भाई फाइनली चढ़ चुके हैं हम, देख लो आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, ये 8 लाइन बना हुआ भाई, 4 लाइन इधर है, 4 लाइन दूसरी साइड पे है, देख लो सामने आपको दिख रहा होगा, पलवल 44 और मुंबई 1224 भाई साहब, ये जो फीलिंग्स है ना नेक्स्ट लेवल है। इस एक्सप्रेस वे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, भी कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है, कितना अभी तक बना है, टोल कितना लगता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जयपुर जाना चाहते हैं, सारा टाइमिंग से लेकर फूड कोर्ट है या नहीं है, रेस्ट स्टॉप है, पेट्रोल पंप है, सारे कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यही मेरा मेन मोटिव है आज की वीडियो में, कि अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करना चाहते हैं, दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं या मुंबई आगे जाना चाहते हैं, तो आपको जितना खुला है आपको पहले एक बार वो तो दिखाएंगे, बाकी इन फ्यूचर में आपको सारा डिटेल में पूरा प्रॉपर एक बार दिल्ली से मुंबई भी चलेंगे जब ये पूरा बन जाएगा। इसका सही बताऊं ना, पहले 24 आवर्स लगते थे प्रवीण भाई, ठीक है, और अब जब ये बन जाएगा ना, अब 12 घंटे में, और ऐसी गाड़ी हो तो मेरे ख्याल से हम तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बस मेरे को कोई स्पॉन्सर कर देना, मेरा तेल में पहुंचा दो जब भी। बिल्कुल बिल्कुल, ले ले ले, बिल्कुल होगा, स्पॉन्सर भी होगा, डाउनटाउन करेगा स्पॉन्सर, यहाँ डाउनटाउन बैठा है ना,
तो डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो वादा कर रहे हैं फिर आज, ठीक है जी, हमारे को स्पॉन्सर करेंगे दिल्ली मुंबई, और इसकी जो स्पीड लिमिट है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी है इस रूट पर। ये देख लो बाइक वाला, यहाँ वैसे बाइक अलाउड नहीं है टू व्हीलर्स, बट आई एम नॉट श्योर कैसे आया यहाँ पे। भाई बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, भाई बहुत तेज। बहुत तेज हवा है भाई बाहर। ओह बंद ही कर दो भाई इसे तो। भाई बाहर बहुत तेज हवा है, आई एम नॉट श्योर मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, मैंने माइक लगा लिया अभी। तो देख लो भाई, ये पहला टोल मतलब इस एक्सप्रेस वे का, और कितने रुपए का टोल कटता है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखो कितना सही टोल बनाया हुआ है भाई। ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया है 2 किलोमीटर, तो देखते हैं भी आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो पलवल यहाँ से नीचे, ये ना जो है ना ये वाला अपना पलवल कुंडली जो है ना एक्सप्रेस वे, क्या कहते हैं उसको, पेरिफेरल KMP, हाँ KMP जुड़ जाएगा यहाँ से। अभी हमने गाड़ी यहाँ पर साइड में लगाई है, एक बार पीछे आप देख सकते हो बोर्ड वडोदरा मुंबई सीधा लिखा हुआ आपने, और इधर चले जाएंगे ना ये KMP पे चढ़ जाएंगे आप, पलवल वाला जो कुंडली पलवल वाला है ना वो इस साइड से कट गया, और सीधा देख लो NE4, ये लिखा है NE4 वडोदरा मुंबई। हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर यार। चलिए एक बार थंबनेल क्लिक कर लेते हैं, ऐसे करना जो अगला आएगा ना अभी उसको नीचे ले लेना एक बार, ठीक है, ट्राई करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ये लिखा हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है इस रूट पे। और एक चीज़ बता दूँ, ये पूरा जो रूट रोड है ना ये कंक्रीट का नहीं है, खास बात ये है जो यमुना एक्सप्रेस वे है ना वो कंक्रीट का है, तो थोड़ा सा मतलब चलाने में वो फील नहीं आता, लेकिन ये अच्छा बना हुआ है, और ये बम्प्स वाली रोड है, स्ट्रेट नहीं है जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो सामने। ये देखते हैं अभी ये कितने टाइम तक मेंटेन रहेगा, ये अभी बन रहे हैं सारे, अभी तो काम चालू है इधर, अभी कुछ अभी रेस्ट स्टॉप और ये अभी बना नहीं है, बन रहे हैं, तो इसलिए हमने अभी लेफ्ट में लिया था आपको दिखाने के लिए। अगर आप अभी ट्रैवल करेंगे तो ये अभी फैसिलिटीज अभी आई गेस प्रोवाइड नहीं है, बट फूड कोर्ट और पेट्रोल पंप वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ फटाफट से, ये जो एक्सप्रेस वे है ना इसकी जो स्टार्ट किया गया था इसे 2019 मार्च को स्टार्ट किया गया था हमारे ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो टोटल पैच है ना वो है 1350 किलोमीटर का, और इससे क्या है मैं ऑनलाइन ही मतलब जो पढ़ा है मैंने इसके बारे में, इससे क्या होगा जो 250 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना जो ज्यादा किलोमीटर पड़ता था दिल्ली से मुंबई वो कम हो जाएगा, और जो 24 घंटे लगते थे ऑलमोस्ट उससे आप 12 घंटे में इसके थ्रू 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं, सही सुना आपने। और अगर आपको ग्वालियर जाना है तो भी कनेक्टिविटी है, जो अपना बुंदेलखंड वाला हाईवे है इधर से थ्रू जाएंगे तो 4 घंटे में आप ग्वालियर भी पहुंच सकते हैं, मात्र 3 घंटे में आप दिल्ली से जयपुर पहुंच सकते हैं। भाई कितना देख लो कितना टाइम सेव हो रहा है इसके थ्रू, थोड़ा सा भी मतलब अब रास्ता थोड़ा सा बोरिंग हो गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 करोड़ रुपीज, और इसमें 80,00,000 टन सीमेंट यूज किया गया है। जी हाँ सही सुना भाई, खतरनाक लेवल का बनाया इन्होंने। सुंदर व्यू है साइड में, अभी अलवर से पहले ही है, और ये पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल जाएगा इधर, पेट्रोल पंप भी चल रहा है वाला। गाड़ी है ना देखो खराब हो गई है गाड़ी की, और यहाँ पर ना मतलब देख लो अभी तक तो कुछ कोई प्रॉब्लम आती है आपकी गाड़ी में तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, सुनसान सा ही लग रहा है, अगर टायर पंचर हो जाएगा तो क्यों भाई, क्या कहते हो भाई? मैं तो यही कहूंगा जनता को कि अगर आप इस हाईवे पे आओ ना तो पंचर लगाना सीख के आना, बिल्कुल पूरा तैयार होकर आना, अभी तक स्टेपनी तैयार रखना, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई ना, चलो ना हो तो बढ़िया है, पर अगर इमरजेंसी में भाई कोई पुरानी गाड़ी है कोई वैसे हो, अभी पीछे गाड़ी गर्म हो गई थी। देख लो ऑलओवर रह गया 47 मुंबई 1144। चलिए भाई फाइनली जाकर जिसका इंतजार था वो मिला हमें, भाई चलते हैं फाइनली, फूड कोर्ट आ गया है, ओ भाई साहब। और अभी हम मैं बताऊं तो अलवर, यहाँ से अलवर 2 किलोमीटर नीचे कट जाएगा अलवर और भरतपुर के लिए, उससे पहले ही आपको ये पीछे फूड कोर्ट दिखने को मिल जाएगा, कुछ भी खाना पीना हो तो यार ये तो सूखा हो जाएगा ना, पेट्रोल पंप भी है इधर, वॉशरूम सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट अभी दौसा पड़ा है 93 किलोमीटर और 56 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब हाईवे भाई बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा था लेकिन धीरे धीरे ये बोरिंग सा लगने लग गया है, तो हम पूरा आगे नहीं जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। चलो ये है द अर्बन ढाबा 99 कुछ ऐसा लिखा है, तो काफ़ी कुछ आने वाला है बट अभी यही खुला है, यहाँ पर देखो वॉशरूम इधर है, तो चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ है खाने पीने को यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पे ना खाने पीने के लिए तो आपको मिल जाएगा बट थाली ज़्यादा मिल रही है, तो वैसे इतनी भूख भी नहीं, अभी हल्दीराम से आपको पता है खा कर ही निकले थे, कुछ देखते हैं पीने को मिलता है ना ड्रिंक,
तो वो ले लेते हैं। ये कितने का भैया? अच्छा 70 रुपीज का। तो यहाँ पर भाई हमने ये मिल्क बादाम की बॉटल ली है एक, साथ में भाई परवीन भाई आइसक्रीम ले रहे हैं। तो गर्मी बहुत है बाहर तो ठंडा तो चाहिए ना कुछ। भाई वैसे सर्दी लगी नहीं थी, सर्दी ये बिल्कुल जा चुकी है भाई सर्दी। भैया ये कब ओपन किया आपने? ये अभी 13 तारीख को आया। अच्छा 13 तारीख को ही हुआ, अभी यार ऑलमोस्ट एक हफ्ता भी नहीं हुआ। लो भाई और एक हफ्ता हुआ है ना ऑलमोस्ट। वैसे लोग आ रहे हैं एक्सप्रेस वे बढ़िया आ रहे हैं। चलो निकलते हैं ना, मैं बता देता हूँ हमने सोना तेल डलवाया था। ठीक है अच्छा। फ्यूल डलवाया था वहाँ से, अब तक हम चल चुके हैं 101 किलोमीटर। अच्छा जहाँ से पेट्रोल डलवाया था। 15.7 की माइलेज दे रही है गाड़ी और अब यहाँ से हम यूटर्न ले लेंगे। तो मतलब एक तरह से जो अगर कोई अभी आजकल में आने की सोच रहा है तो उसके लिए बस यही कहूंगा कि 100 किलोमीटर के बाद कुछ खाने को मिलेगा। हाँ जी पेट्रोल पंप है बीच में, पेट्रोल पंप थे HP वगैरह। टाइम हमें लगा है यहाँ तक आने में एक घंटा दस मिनट लगे और 10 मिनट रुके भी हैं, 2-3 बार रुके भी हैं। तो काफी अच्छी आप रफ्तार से यहाँ पर आ सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट है मुंबई तो 12 घंटे आराम से ना, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे आराम से। एक दो बार एक घंटे में आप 100 किलोमीटर तो चल नहीं पाओगे, आराम से चल लेंगे। तो चलिए भाई यहाँ से चलते हैं, 2 किलोमीटर पे ही कट है तो यू टर्न लेते हैं और वापस चलते हैं। तो ये देख लो भाई नीचे अलवर आपको दिख रहा होगा बोर्ड, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम। इधर से नीचे चले जाएंगे अलवर मुड़ जाएंगे बहुत जल्दी। तो इधर से लेफ्ट चले जाएंगे आप भरतपुर चले जाएंगे और इधर आप जाएंगे तो अलवर। बहुत खूबसूरत बना रहा है रोड वगैरह ना सब कुछ। हम नीचे आ गए ना, सामने चले जाएंगे तो वडोदरा और मुंबई के लिए वापस से गुड़गांव की साइड जा रहे हैं। और ये देख लो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे का जो टोल का प्राइस है ये है ऑलमोस्ट मान के चलो सिंगल का 65 रिटर्न का 100। तो ये कार का प्राइस है। चलिए भाई चलते हैं। चलो जी तो भाई पहले उस लाइन में गए वो तऊ ने यहाँ भेज दिया, अब ठीक है कह रहे ट्रक जा रहे हैं अब इधर भेज दिया, यहीं खड़े हैं इतनी देर से यार ये तो गलत है ना भाई। और बिहेवियर भी ऐसा ही है देखो, वहाँ देखो पीछे देखो क्या किया उन्होंने, वो देखो उधर से भगा रहे हैं इधर से कर रहे हैं पीछे ऑर्डर मार रहे हैं लोग सारे। हमने अभी रिटर्न तो ले लिया गुड़गांव की तरफ वापस। वैसे मैं बता दूं जो वन वे का जो टोल हमारा लगा था, अभी मैसेज आया भाई के पास फास्टैग लगा हुआ था तो 240 रुपीज हमारा लगा है। तो हम नॉट श्योर है किस बेस पे, आई गेस ये टाइम और जो डिस्टेंस रहता है ना उसके बेस पे कैलकुलेट होता है। तो 240 रुपीज हमारा सोना से जो हमने कट लिया था वहाँ से लेकर अलवर वाले टोल तक। तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी है, चार्जेस तो ज़्यादा ही हैं एक तरह से बट लेकिन रोड भी तो अच्छी है ना। तो चलिए अब आप वापस मिलते हैं, सेम रोड ही है बोरिंग हो रहा है बहुत सारा रास्ता, अब आपको मैं मिलता हूँ सीधा गुड़गांव में। पीछे ना अभी गया ये हेलीपैड भी यहाँ पर बनाया हुआ एक्सप्रेस वे पे इन्होंने, ये पीछे जो था ना यहाँ पर H लिखा हुआ था हेलीपैड, इमरजेंसी के लिए बनाते हैं, तीन थे ना तो इमरजेंसी के लिए बनाते हैं। टोल से बिल्कुल इधर को आपको मिल जाएगा। तो देख लो भाई जिस टोल पे निकले थे वहीं पे वापस आ गए हैं। चलो जी फाइनली भाई पहुंच चुके हैं भाई डाउनटाउन रिटेलिंग स्टूडियो, मैं जिसकी बात कर रहा था ना सुबह आ नहीं पाया। और ये देख लो भाई ये ओल्ड गुड़गांव रोड है और ये है हमारे भाई का शोरूम डाउनटाउन रिटेलिंग स्टूडियो। अगर कुछ भी काम कराना हो PPF सिरेमिक कोटिंग तो ये सब कुछ करते हैं। देख लो भाई अंदर पूरा काम चल रहा है। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, काफ़ी मज़ा आया। आपको कैसी लगी वीडियो? कुछ नया ट्राई किया था, कुछ नई चीज़ आई थी ना, तो मेरा मतलब ट्राई रहता है कुछ नई चीज़ इंडिया में आए तो आपको मैं दिखाऊं। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, रोड ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा होता जा रहा है डे बाय डे और बसेस भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर रखते हैं क्योंकि मुझे अभी निकलना है भाई बहुत जल्दी मनाली के लिए, तो वो वीडियो आप बाद में देख लोगे किस लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।